Good morning, smart learners. How are you? Hope you all are fit and healthy. Let's pray to God and thank Him for all the blessings He is showering upon us. All of you, join your hands for morning prayer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. I worship you. Today we will do part 1 of chapter number 22, our environment. Today we will do page number 137, 138 and 139. I welcome you back in today's virtual class of EVs. Students, today we are going to start new chapter number 22. And name of the chapter is our environment. Environment kya hota hai beta? What is environment? Environment is everything that surrounds us. हर वो चीज़ जो हमारे चारों ओर है वो environment को बनाती है. बेटा, हम जब भी अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं तो हम किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं? Yes, वार्म अप एक्टिविटी. तो आज हम वार्म अप एक्टिविटी करेंगे. That is given on page number 137 through a video. Let's do the warm-up activity, beta. Now, in the video, you will see two places. Aap ab video mein do places dekhoge and you have to judge which place has the clean air. See this ground, beta. Is ground ko dekho. Is ground mein kitna sara garbage pada hua hai. Plastic, poly bags, wrappers, और बहुत सारा वेस्ट. अब मैं आपको दूसरा ग्राउंड दिखाती हूँ. अब इस जगह को देखिए बेटा, आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ जानी पहचानी सी जगह लग रही है ये. यस, दिस इज़ द प्लेग्राउंड ऑफ आर स्कूल. ये हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड है. कितना नीट एंड क्लीन ग्राउंड है ना हमारा. आप जल्दी ही स्कूल आएंगे और फिर से अपने स्कूल में आप इस ग्राउंड में अपने गेम्स पीरियड में खेलोगे, है ना. जल्दी ही कंडीशंस नॉर्मल होंगी और हम फिर से मिलेंगे स्कूल में. तो अब हम बात कर रहे थे ग्राउंड्स की. तो बेटा, अब आप मुझे बताइए कि ग्राउंड बी, ये जो आपका स्कूल का प्लेग्राउंड है, इसकी एयर क्लीन है या ग्राउंड ए जहाँ पर बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है? ग्राउंड बी, यस ग्राउंड बी, बिकॉज देयर इज no garbage, it is neat and clean. So air of this place is very clean. Now do the warm-up activity given in your book on page number 137. Lead Rohit to the place where the air is clean. अब आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि किस प्लेस की एयर क्लीन है और किस प्लेस की एयर क्लीन नहीं है. तो अब आपको रोहित को वहाँ लेकर जाना है, उस प्लेस पर लेकर जाना है जहाँ पर एयर क्लीन है. अच्छी लगी? मज़ा आया वार्म अप एक्टिविटी करने में, है ना. चलो, वेरी गुड. अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट वर्ड इज सैंडस्टोन्स, एस ए एन डी सैंड, एस टी ओ आर एम एस स्टोन्स, सैंडस्टोन्स. सैंडस्टोन्स का मतलब रेत के तूफान. आपने देखा होगा अगर आप कभी डेजर्ट एरिया में गए हो. डेजर्ट एरिया मतलब राजस्थान में. तो वहाँ पर बहुत तेज़ कभी कभी धूल की आंधी चलती है, धूल भरी आंधी, रेत उड़ता है बहुत ज़्यादा, और उसको हम क्या बोलते हैं? सैंडस्टॉर्म्स. क्या बोलते हैं उसको? सैंडस्टॉर्म्स. सेकंड वर्ड इज वोल्केनोस,
this is spelling of it, V-O-N-C-A-N-O-E-S, volcanoes. Volcanoes means Jwalamukhi. Third word is crackers, C-R-A-C-K-E-R-S, crackers. Crackers means patake. हम लोग दिवाली पर चलाते हैं ना पटाखे, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रैकर्स। फोर्थ वर्ड इज पल्यूटेड, P-O-L-L-U-T-E-D, पल्यूटेड। पल्यूटेड मतलब गंदा, गंदा हो पानी, पल्यूटेड वाटर, पल्यूटेड एयर, डर्टी, गंदा। ठीक है बेटा, दीज आर द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर ईवीएस नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न देम ऑल्सो। बेटा वेयर डू वी लिव, हम लोग कहाँ रहते हैं? यस, वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। दिस अर्थ इज द होम टू ऑल लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में क्लियर है ना बिल्कुल? दैट वी हैव डन इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 19, है ना याद आपको? तो लिविंग थिंग्स में बताइए कौन कौन सी चीजें आती है? यस, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, माउंटेन्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब ये जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? एनवायरमेंट। क्या बनाती हैं? एनवायरमेंट। Environment means everything that surrounds us. और वो everything में क्या things आ गई? Living things भी आ गई और non-living things भी आ गई। It means environment के two main parts होते हैं, natural environment and man-made environment. Natural environment means जो कि environment nature में हमें दिया है, that is natural environment. अगर हम जंगल में जा रहे हैं, forest है, that is a natural environment. हम किसी हिल स्टेशन पर गए, माउंटेन्स हैं वहाँ पर, वो नेचुरल है। नदी बह रही है, नेचुरल है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट बना रही है। और हम घर में रह रहे, स्कूल की बिल्डिंग है, आपका घर है, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, ये सब क्या है? मैन मेड इन्वायरमेंट है। क्या है ये? मैन मेड इन्वायरमेंट। बेटा अभी हमने नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मैन मेड इन्वायरमेंट की बात करी। इंसान ने, हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है? नेचुरल इन्वायरमेंट में चेंजेस किए हैं टू मेक आर लाइफ कंफर्टेबल। अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हमने रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, व्हीकल्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, हाउसेस बनाए, ताकि हम आराम से रह सकें। तो ये जो हम मैनमेड थिंग्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हम लोग बना रहे हैं, इसको बनाने के लिए हम यूज़ क्या कर रहे हैं? नेचुरल थिंग्स, नेचुरल इन्वायरमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में, न्यू थिंग्स बनाने में, ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे नेचुरल इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है। हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं एंड दिस मेकिंग ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट डर्टी इज कॉल्ड पॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, इन सब से क्या हो रहा है? हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट। अब पॉल्यूशन होते कितने तरीके के बेटा? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। फर्स्ट वन, एयर पॉल्यूशन। नंबर टू, लैंड पॉल्यूशन। नंबर थ्री, वाटर पॉल्यूशन। एंड नंबर फोर, नॉइज पॉल्यूशन। तो फोर तरह के पॉल्यूशन हैं जिनके बारे में हम डिटेल में वन बाय वन करेंगे। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? मेकिंग एयर डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। हवा का गंदा होना हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से, उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। और एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज है स्मोक, धुआं। स्मोक इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब ये स्मोक कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से कारण हैं एयर पोल्यूशन के? सबसे पहला है बेटा स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चल रही हैं, उसमें से बहुत धुआं निकलता है और जो हम व्हीकल्स चलाते हैं,
कार, बस, इन सब से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, जिसकी वजह से हमारी एयर पल्यूट हो रही है, गंदी हो रही है, क्योंकि इस स्मोक में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती है। सेकेंड रीजन है बेटा सैंडस्टॉर्म्स। सैंडस्टॉर्म्स किसको बोलते हैं? रेत का तूफान। अब हमारा जो राजस्थान स्टेट है उसके अंदर हमें पता है रेगिस्तान है, वहाँ पर रेत ही रहता है, तो वहाँ पर सैंडस्टॉर्म्स होते रहते हैं, और जब रेत का तूफान उठता है तो रेत बहुत तेजी से उठता है, जिसकी वजह से एयर गंदी होती है। थर्ड वन इज वोल्केनोस। वोल्केनोस किसको कहते हैं बेटा? ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी फटते हैं तब क्या होता है, उसमें से लावा निकलता है। लावा तो नीचे की तरफ निकलता है और उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिसके अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं, और उस धुएं से, उस स्मोक से एयर पल्यूट होती है। फोर्थ है बेटा फॉरेस्ट फायर्स। जंगल में कभी कभी अपने आप आग लग जाती है, जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर्स। और जब हमें पता है आग लगेगी तो क्या उठेगा? धुआं निकलेगा, और उस धुएं से एयर पल्यूट होती है। एंड नेक्स्ट इज बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। जब हमारे यहाँ मैरिजेस होती हैं, फंक्शन होता है, या फिर दिवाली होती है, तो हम क्या करते हैं बेटा इन्जॉय करने के लिए? क्या करते हैं? पटाखे छुड़ाते हैं, बर्स्ट क्रैकर्स। आपको पता है ना क्रैकर्स से क्या निकलते हैं जब बर्स्ट होते हैं? स्मोक, और उसके अंदर भी हार्मफुल गैसेस होती हैं। सो बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। तो ये हमारे एयर पोल्यूशन के कुछ कॉजेज हैं जो हमने अभी करे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है। बेटा कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, और सबसे बड़ा कॉज एयर पोल्यूशन का है स्मोक। स्मोक इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। बेटा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आग जल रही है और आग के साथ साथ क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, जिसकी वजह से एयर पल्यूट हो रही है। स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। आप देख रहे हैं ना, कार में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। जब हम कार स्टार्ट करते हैं या कार चलाते हैं, कोई भी व्हीकल चलाते हैं, तो उसमें से धुआं निकलता है, और इस धुएं से हमारी एयर गंदी होती है, हमारी एयर पल्यूट होती है। स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज इज़ ऑल्सो अ मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, बिकॉज इस स्मोक के अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर पल्यूट होती है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर। आप देख रहे हैं इस वीडियो में फॉरेस्ट में आग लगी हुई है, और ये जंगल में आग कभी कभी नेचुरल लगती है। जब बिजली चमकती है तो बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है, और आप देख रहे हैं आग के साथ साथ क्या निकल रहा है? बहुत ज़्यादा धुआं, स्मोक, और इस स्मोक से क्या हो रही है? एयर पल्यूट हो रही है। नेक्स्ट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज़ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फटना। जब बेटा ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा बाहर निकलता है। ये जो आपको लाल कलर का दिखाई दे रहा है, ये बहुत गर्म लावा है, हॉट लावा, दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ वोल्केनो, और उसमें से साथ साथ निकलता है बहुत ज़्यादा धुआं, बहुत ज़्यादा स्मोक, और वो स्मोक हमारी एयर को पल्यूट करता है। नेक्स्ट कॉज ऑफ एयर पल्यूशन है बेटा सैंडस्टॉर्म। सैंडस्टॉर्म मतलब रेत का तूफान। जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, लाइक इंडिया में अगर हम बात करें राजस्थान, और अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो दुबई, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड है, और तेज़ हवाओं के साथ सैंड उड़ता है तूफान की तरह। आपको ये जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये क्लाउड्स नहीं है ब्राउन कलर के, ये क्या है बेटा? सैंड स्टॉर्म। क्या है ये? सैंड स्टॉर्म। और सैंड स्टॉर्म से सब जगह रेत ही रेत हो जाता है। आप इस वीडियो में देखिए बेटा, ये एक शॉप की वीडियो है, सैंड स्टॉर्म आने के बाद शॉपकीपर सैंड को साफ कर रहा है, देख रहे हैं आप, सारी चीज़ों के ऊपर सैंड की लेयर बिछ गई है, और इसी सैंड की वजह से जब वो सैंड हवा में तेज उड़ता है, उससे एयर पल्यूट होती है। सैंड स्टॉर्म्स
लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या होता है? मेकिंग लैंड डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। लैंड का गंदा होना, डर्टी होना, उसको हम बोलते हैं लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज हैं, उसमें सबसे मेन कॉज है थ्रोइंग द वेस्ट। बाय थ्रोइंग वेस्ट, घर का जितना भी गार्बेज होता है, कूड़ा करकट होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको डस्टबिन में ना डालकर रोड पर डाल देते हैं। कुछ लोग पार्क में बैठे होते हैं, आप देखते हो, वो खाते हैं और रैपर्स वहीं पर फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते। तो वो जो गार्बेज लैंड पर पड़ा है, उससे क्या हो रहा है? लैंड पल्यूट हो रहा है, डर्टी हो रहा है, जिसे हम कहते हैं लैंड पोल्यूशन। बेटा सेकेंड इज बाय यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स। अब हार्मफुल केमिकल्स कैसे यूज होते हैं? बेटा जो फार्मर्स होते हैं वो फसल उगाते हैं, हमें पता है, वो क्रॉप उगाते हैं, वो अनाज उगाते हैं जो हम खाते हैं, हमारे घरों में आता है। तो क्या होता है, अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए वो उस पर स्प्रे करते हैं केमिकल्स का। और वो केमिकल्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज हो तो उससे क्या होता है, हमारी सॉइल पल्यूट हो जाती है, डर्टी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लैंड पोल्यूशन। इस वीडियो में देखिए बेटा कि इस लैंड पर कितना ज़्यादा गार्बेज है, लॉट ऑफ गार्बेज इज लाइंग ओवर देयर, जिसकी वजह से हमारी लैंड पल्यूट हो रही है, हमारी लैंड गंदी हो रही है और नेचुरल ब्यूटी जो हमारी अर्थ की है वो भी ख़त्म हो रही है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्बेज है, जिसकी वजह से हमें पता है ना क्या ग्रो करते हैं, जर्म्स और बहुत सारी डिजीज़ स्प्रेड होती हैं। अब इस वीडियो में देखिए बेटा, फार्मर अपनी फसल को, अपनी क्रॉप को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर केमिकल स्प्रे कर रहे हैं। ये केमिकल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जब ये केमिकल खेतों में डाले जाते हैं तो ये केमिकल्स साथ ही साथ ज़मीन में भी चले जाते हैं, जिससे कि ये लैंड को पल्यूट कर देते हैं। बेटा आज हमने दो पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, एयर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? मेकिंग एयर डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन का मेन कॉज क्या है? स्मोक, है ना। सेकेंड हमने पढ़ा लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या होता है? मेकिंग लैंड डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। और लैंड पोल्यूशन कैसे होता है? बाय थ्रोइंग वेस्ट ऑन द रोड and by using harmful chemicals. Now we will do the reading of this chapter. Let's start the reading of the chapter. Open your book, page number 137. Keep your finger on the line which I will read and you have to read after me. The earth is home to all the living and non-living things. The living things include human beings, animals and plants. The non-living things are land, air, water, soil, buildings and houses. The living and non-living things which surround us form our environment. Actually, environment means everything that surrounds us. There are two main parts of the environment, the natural and the man-made. The natural environment is formed by the nature. The man-made environment is created by the human beings by changing the natural environment. Why do human beings change the natural environment? The human beings change the natural environment for their own benefit. Men need more place to live and more food to eat. In one sense, human beings need more comfort. Therefore, men change natural environment. In the process of changing natural environment, human beings abuse environment and make it dirty. This is called pollution. Smoke from burning of fuels, other harmful things and chemicals enter into the environment, making it polluted. Generally, there are four types of pollution. These are air pollution, land pollution, noise pollution and water pollution. Air pollution. Smoke is the main cause of air pollution. It is created by the burning of fuels like coal and petroleum. It makes the air dirty and causes
breathing problems. Other sources of air pollution are smoke from factories, sandstorms, volcanoes, forest fire, even the bursting of crackers on festivals and marriages cause air pollution. You should not burst firecrackers. Land pollution. People throw waste from their houses, on roads and in parks. This makes the environment dirty and it creates unsanitary conditions. The soil can be polluted by the use of pesticides and other harmful chemicals. This land pollution can cause many diseases and destroys the natural beauty. Here is a thought for you. Let's nurture the nature to have a better future. बेटा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर सेफ हो, हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, तो हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, हमें अपनी नेचर को, एनवायरनमेंट को बचाना है. सो बेटा, सेव एनवायरनमेंट टू सेव लाइफ. थैंक यू. मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.